नमस्कार, गोरखपुर न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं फरीद अहमद। सबसे पहले हेडलाइन। गोरखपुर न्यूज के सह प्रायोजक है मटकू मंगलम टावर गोलघर गोरखपुर। मंदिर परिसर में नशीला पदार्थ गांजा के कारोबार का विरोध करने पर अन्य साधुओं ने साधु हीरामन के साथ मारपीट कर आंख पर फेंका तेजाब, झुलसे पुजारी। घटना की सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पीपीगंज थाने की पुलिस ने घायल साधु को अस्पताल में करवाया भर्ती। अब साधु की स्थिति है समान, आंख में है बस सूजन। एसपी नॉर्थ ने कहा, तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर की जा रही है आगे की कार्रवाई। जनपद न्यायाधीश तेज प्रताप तिवारी की अध्यक्षता में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वाधान में दीवानी न्यायालय परिसर में विशेष लोक अदालत का किया गया आयोजन। विशेष लोक अदालत में कुल आए 552 वाद, 111 वादों का किया गया निस्तारण। 3 छाती लुटेरों को शाहपुर पुलिस ने किया गिरफ्तार। एक देशी तमंचा, एक जिंदा कारतूस, 8,500 रुपए नकद किया बरामद, भेजे गए जेल। मारपीट व हत्या के प्रयास के आरोप में वांछित 5 अभियुक्तों को पीपीगंज थाने की पुलिस ने किया गिरफ्तार। एक 4-पहिया वाहन, 2 लोहे का पाइप, 1 लोहे का राड किया बरामद, भेजा जेल। हर घर तिरंगा कार्यक्रम के तहत जनपद के सभी नागरिक 13 अगस्त से 15 अगस्त तक अपने घरों पर फहराएं तिरंगा। भाजपा के क्षेत्रीय अध्यक्ष व एमएलसी डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह ने कहा, तिरंगा फहराने से लोगों के अंदर देशभक्ति की भावना होगी जागृत। इमामबाड़े में सैकड़ों साल पहले हजरत रोशन अली शाह के द्वारा जलाई हुई धूनी आज तक एक बार भी नहीं बुझी। मुहर्रम का चांद दिखने के बाद इमामबाड़ा में दिखाई जाती है सोने चांदी की बनी ताजिया। हजरत रोशन अली शाह फारसी उर्दू जानने के बावजूद हमेशा हिंदी में करते थे दस्तखत। गोरखपुर न्यूज से विशेष बात करते हुए इमामबाड़ा स्टेट के गद्दी नशीं अदनान फारूक अली शाह उर्फ मियाँ साहब ने कहा, सैकड़ों साल से जलाई हुई धूनी आज तक नहीं बुझी, ना इमामबाड़े में और ना ही बाबा गोरखनाथ के मंदिर में। एक अगस्त से चल रहे जनपद में वोटर आईडी से आधार लिंक के लिए आधार एकत्रीकरण के केंद्र का उप जिला निर्वाचन अधिकारी एडीएम फाइनेंस राजेश कुमार सिंह ने किया निरीक्षण। कहा, सभी नागरिक प्ले स्टोर से वोटर हेल्पलाइन ऐप डाउनलोड करके अपने आधार को वोटर आईडी से करें लिंक। और मुफ्त प्रिकॉशन डोज का जिला अस्पताल में भाजपा के क्षेत्रीय अध्यक्ष व एमएलसी डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह ने फीता काटकर किया शुभारंभ। कहा, प्रिकॉशन डोज नागरिकों को कोरोना महामारी से करेगा सुरक्षित। अब समाचार विस्तार से। पीपीगंज थाना क्षेत्र के कल्याणपुर स्थित मंदिर परिसर में नशीले पदार्थ गांजा के कारोबार का विरोध करने पर मनबड़ों ने मंदिर के पुजारी की पिटाई कर दी, उसके चेहरे पर तेजाब फेंक दिया। तेजाब से उनका चेहरा झुलस गया तथा आंख भी खराब हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायल पुजारी को अस्पताल में भर्ती कराने के साथ मनबड़ों पर कार्रवाई शुरू कर दी है। आपको बता दें कि पीपीगंज थाना क्षेत्र के कल्याणपुर में माता बैसी देवी का मंदिर है। मंदिर के आसपास और भवन पूर्वा में अवैध गांजा की बिक्री का कारोबार होता है। मंदिर के पुजारी अकटावा निवासी हीरामन ने पीपीगंज पुलिस से इसकी लिखित शिकायत की थी। आरोप लगाया था कि पिछले 10 महीने से मंदिर के नए पुजारी राजा राम और बालकिशन अपने 2 सहयोगियों बम्बम दास, जवाहिर और लौटू की मदद से मंदिर के आसपास अवैध गांजा की बिक्री कराते हैं, जिसकी जानकारी होने पर पुजारी हीरामन ने दोनों पुजारियों और उनके 3 सहयोगियों को काफ़ी समझाने की कोशिश की, लेकिन उन लोगों को धंधे में दखल बर्दाश्त नहीं हुआ। शनिवार को गांजे के धंधेबाजों ने 6 अगस्त की रात करीब 11 बजे अकेले सो रहे पुजारी हीरामन के साथ पहले मारपीट की और फिर उनके ऊपर तेजाब फेंक दिया, जिससे पुजारी की आंख और चेहरा झुलस गया। घायल पुजारी ने रविवार को पीपीगंज थाने पहुंचकर पुलिस को पूरी घटना की जानकारी दी। आरोपियों के खिलाफ लिखित शिकायत की पुलिस ने घायल पुजारी के इलाज के लिए अस्पताल भेजकर मामले की जाँच में जुट गई है, जिसके संबंध में एसपी नॉर्थ मनोज कुमार अवस्थी ने बताया कि सूचना मिली कि पीपीगंज थाना क्षेत्र के एक मंदिर के पुजारी हीरामन दास का उसी मंदिर के 3 अन्य पुजारियों से किसी बात को लेकर आपस में विवाद हो गया। विवाद के दौरान पुजारी हीरामन दास के आंख में कोई पदार्थ डाल दिया गया। घायल पुजारी को हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया है, जो कि अब ठीक है। आंख में हल्की सूजन है। पुजारी की तहरीर के आधार पर थाने में मुकदमा दर्ज कर विधिक कार्रवाई की जा रही है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसपी नॉर्थ मनोज कुमार अवस्थी ने कहा, 7/8/2022 को थाना पीपीगंज पर यह सूचना आवेदक हीरमन दास, जो कि एक मंदिर के पुजारी हैं, उनके द्वारा दी गई कि उसी मंदिर के 3 अन्य पुजारियों राजा राम, बम्बन दास व जवाहिर दास द्वारा
किसी बात पर विवाद करने पर उनके आँख में कोई रासायनिक चीज़ डाल दी गई, उनको अस्पताल में दिखाया गया। अब वो पूरी तरह से ठीक हैं, आँखों में हल्की सी स्वेलिंग है। इस आधार पे एक आवेदक की तहरीर पे अभी पंजीकृत किया गया तथा आवश्यक विवेचनात्मक कार्रवाई की जा रही है। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वाधान में जनपद न्यायाधीश तेज प्रताप तिवारी की अध्यक्षता में दीवानी न्यायालय परिसर में विशेष लोक अदालत का आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ जनपद न्यायाधीश तेज प्रताप तिवारी सहित अन्य जजों ने दीप प्रज्वलित कर किया। जिसके संबंध में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव देवेंद्र कुमार द्वितीय ने बताया कि विशेष लोक अदालत में जनपद न्यायाधीश द्वारा 16 वादों का निस्तारण किया गया। पीठासीन अधिकारी वाणिज्यिक न्यायालय द्वारा 11 वादों का निस्तारण किया गया। इसके साथ अन्य अपर जनपद न्यायाधीश द्वारा 84 वादों का निस्तारण किया गया। उन्होंने बताया कि आर्बिट्रेशन वादों के निस्तारण के लिए आयोजित विशेष लोक अदालत में कुल 552 वाद आए, जिसमें 111 वादों का निस्तारण किया गया। इस अवसर पर राष्ट्रीय लोक अदालत के नोडल अधिकारी अपर जनपद न्यायाधीश जयप्रकाश, अपर जनपद न्यायाधीश कोर्ट नंबर द्वितीय संतोष कुमार गौतम सहित अन्य जज मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव देवेंद्र कुमार द्वितीय ने कहा, पकड़िए सब लोग, आइए सब है, आ जाओ भाई, वो ना इसी में सब लोग तो है। ठीक है ना, बढ़िया है ना। अरे आप और बड़े दिन के साथ और बड़े मैं लगता है आप लोग 100 पार कर जाएंगे क्या गौतम साहब? तो भी संभव नहीं है, तो कन्फर्म ये भी नहीं है, दो हो जाएंगे। चलो 11 को 13 लोक अदालत का आयोजन किस तरह का माहौल? ये विशेष लोक अदालत आज 7 अगस्त 2022 को आयोजित की जा रही है। इसमें जो आर्बिट्रेशन के निष्पादन एक बात जो है उन्हीं का निस्तारण अपर जनपद न्यायाधीश लेवल के स्तर के अधिकारियों के द्वारा निस्तारण किया जाता है, और ये हमारे दीवानी न्यायालय परिसर में ही आयोजित किया जा रहा है। इसमें जो है जो जैसे बीमा कंपनियों के जो सेटलमेंट होते हैं और उनका जो पूर्णतः निपटारा नहीं हो पाता है, उनका एग्जीक्यूशन के माध्यम से निपटारा कराया जाता है, उन तरह के मामलों का ये लोक अदालत के माध्यम से निस्तारण कराया जाता है। शाहपुर थाने की पुलिस ने 3 छाती लुटेरों को गिरफ्तार किया है, जिसके संबंध में शाहपुर थाना प्रभारी रणधीर कुमार मिश्रा ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर 3 अभियुक्तों को डेरी रेलवे कॉलोनी गांधी शताब्दी इंटर कॉलेज के पास से गिरफ्तार किया गया है, जिनकी पहचान मैनुद्दीन अंसारी पुत्र नसरुद्दीन अंसारी निवासी आवास विकास कॉलोनी थाना शाहपुर जनपद गोरखपुर, दूसरा इमरान अंसारी पुत्र स्वर्गीय जमालुद्दीन निवासी आवास विकास कॉलोनी शाहपुर थाना शाहपुर जनपद गोरखपुर, तीसरा मोहम्मद जैद पुत्र सैफुद्दीन निवासी घोसीपुरवा थाना शाहपुर जनपद गोरखपुर के रूप में हुई है, जिनके पास से 8,500 रुपये नकद, एक गुप्ती, एक देशी तमंचा, एक जिंदा कारतूस बरामद किया गया है। शाहपुर थाना प्रभारी ने बताया कि 6 अगस्त को 3:30 बजे गीता वाटिका के पास मैनुद्दीन अंसारी व उसके दोस्त इमरान अंसारी द्वारा वादी कौस्तुब सिंह पुत्र स्वर्गीय शंभुनाथ सिंह निवासी मकान नंबर 23/9 आवास विकास कॉलोनी पानी की टंकी के पास थाना शाहपुर जनपद गोरखपुर के पेट में एक नुकीला गुप्ती सटाकर
वादी से रुपए मांगना तथा वादी द्वारा ना दिए जाने पर वादी को जान से मारने की धमकी दिया, जिसके संबंध में वादी कौस्तुभ सिंह द्वारा थाना शाहपुर पर मुकदमा दर्ज करवाया गया। उन्होंने बताया कि 6 अगस्त को 1 बजे करण मिश्रा पुत्र अरुण मिश्रा निवासी मकान नंबर B7 फर्टिलाइजर थाना चिलुआताल जनपद गोरखपुर के ABS हॉस्पिटल पादरी बाजार से रजनी निषाद के साथ अपने घर जा रहा था कि स्कूटी सवार 3 अभियुक्तों द्वारा वादी का 13,000 रुपये छीन कर भाग गए, जिसके संबंध में थाने में मुकदमा दर्ज किया गया, जिसको गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम में शाहपुर थाना प्रभारी रणधीर कुमार मिश्रा, उप निरीक्षक रामानुज सिंह यादव, कांस्टेबल आज़ाद अली, अवधेश बिंद, चंद कुमार चौहान, अरविंद यादव, अमृत यादव, दुर्गेश यादव शामिल रहे। पीपीगंज थाने की पुलिस ने मारपीट व हत्या के प्रयास के आरोप में 5 वांछित अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है, जिसके संबंध में SP नॉर्थ मनोज कुमार अवस्थी ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर 5 अभियुक्तों को जिंदपुर मुबारकपुर चौकी रोड से गिरफ्तार किया गया है, जिनकी पहचान रामकृष्ण यादव उर्फ कृष्णा यादव पुत्र चंद्रिका यादव निवासी भिठा थाना सहजनवा जनपद गोरखपुर, दूसरा श्याम कृष्ण यादव उर्फ कन्हैया यादव पुत्र चंद्रशेखर यादव निवासी भिठा थाना सहजनवा जनपद गोरखपुर, तीसरा गोपाल यादव पुत्र महेश यादव निवासी भिठा थाना सहजनवा जनपद गोरखपुर, चौथा बलिराम भारती पुत्र श्री राधेश्याम निवासी सरहरी थाना गुलहरिया जनपद गोरखपुर, पांचवा राहुल यादव पुत्र रामललित निवासी भरवल प्रेमनगर थाना पीपीगंज जनपद गोरखपुर के रूप में हुई है, जिनके पास से 1 चारपहिया वाहन, 2 लोहे का पाइप, 1 लोहे का राड बरामद किया गया है। SP नॉर्थ ने बताया कि 6 अगस्त को अशोक कसौधन व रमेश कसौधन को भोला यादव व उसके अन्य साथियों द्वारा मारा पीटा गया, जिससे उनको गंभीर चोटें आईं, जिनकी तहरीर के आधार पर अभियुक्त के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया, जिनको गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। गिरफ्तार करने वाली टीम में पीपीगंज उप निरीक्षक अभिनव मिश्रा, शमशीर अहमद, विकास यादव, कांस्टेबल राजू कुमार, बद्री प्रसाद, महेश चौबे, शैलेंद्र कुमार, मनीष कुमार, ओमकार यादव शामिल रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए SP नॉर्थ मनोज कुमार अवस्थी ने कहा, कल दिनांक 6/8/2022 को थाना पीपीगंज में अशोक कसौधन और रमेश कसौधन को भोला यादव व उसके 5 साथियों द्वारा मारा पीटा गया, जिससे उनको गंभीर चोटें आ गई। इस पर थाने पर अभियोग पंजीकृत किया गया तथा प्रयास करके 5 अभियुक्तों रामकृष्ण, श्याम कृष्ण, गोपाल यादव, बलिराम भारती और राहुल यादव को गिरफ्तार किया गया तथा घटना में प्रयुक्त 1 अदद स्कॉर्पियो वाहन और 2 अदद लोहे के राड बरामद किए गए। अभियुक्त भोला की गिरफ्तारी के लिए हर संभव प्रयास किया जा रहा है, उसके लिए 3 टीमें लगाई गई हैं। इसके साथ ही लेते हैं छोटा सा ब्रेक। ब्रेक में जाने से पहले एक नजर हेडलाइन पर। गोरखपुर न्यूज के सह प्रायोजक है मटकू मंगलम टावर गोलघर गोरखपुर। मंदिर परिसर में नशीला पदार्थ गांजा के कारोबार का विरोध करने पर अन्य साधुओं ने साधु हीरामन के साथ मारपीट कर आंख पर फेंका तेजाब, झुलसे पुजारी। घटना की सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पीपीगंज थाने की पुलिस ने घायल साधु को अस्पताल में करवाया भर्ती। अब साधु की स्थिति है सामान, आंख में है बस सूजन। SP नॉर्थ ने कहा, तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर की जा रही है आगे की कार्रवाई। जनपद न्यायाधीश तेज प्रताप तिवारी की अध्यक्षता में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वाधान में दीवानी न्यायालय परिसर में विशेष लोक अदालत का किया गया आयोजन। विशेष लोक अदालत में कुल आए 552 वाद, 111 वादों का किया गया निस्तारण। 3 छाती लुटेरों को शाहपुर पुलिस ने किया गिरफ्तार। 1 देशी तमंचा, 1 जिंदा कारतूस, 8,500 रुपए नकद किया बरामद, भेजे गए जेल। मारपीट व हत्या के प्रयास के आरोप में वांछित 5 अभियुक्तों को पीपीगंज थाने की पुलिस ने किया गिरफ्तार। 1 चारपहिया वाहन, 2 लोहे का पाइप, 1 लोहे का राड किया बरामद, भेजा जेल। हर घर तिरंगा कार्यक्रम के तहत जनपद के सभी नागरिक 13 अगस्त से 15 अगस्त तक अपने घरों पर फहराएं तिरंगा। भाजपा के क्षेत्रीय अध्यक्ष व MLC डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह ने कहा, तिरंगा फहराने से लोगों के अंदर देशभक्ति की भावना होगी जागृत।
इमामबाड़े में सैकड़ों साल पहले हजरत रोशन अली शाह के द्वारा जलाई हुई धुनी आज तक एक बार भी नहीं बुझी। मुहर्रम का चांद दिखने के बाद इमामबाड़ा में दिखाई जाती है सोने चांदी की बनी ताजिया। हजरत रोशन अली शाह फारसी उर्दू जानने के बावजूद हमेशा हिंदी में करते थे दस्तखत। गोरखपुर न्यूज से विशेष बात करते हुए इमामबाड़ा स्टेट के गद्दी नशीं अदनान फारूक अली शाह उर्फ मियाँ साहब ने कहा, सैकड़ों साल से जलाई हुई धुनी आज तक नहीं बुझी, न इमामबाड़े में और न ही बाबा गोरखनाथ के मंदिर में। एक अगस्त से चल रहे जनपद में वोटर आईडी से आधार लिंक के लिए आधार एकत्रीकरण के केंद्र का उप जिला निर्वाचन अधिकारी एडीएम फाइनेंस राजेश कुमार सिंह ने किया निरीक्षण। कहा, सभी नागरिक प्ले स्टोर से वोटर हेल्पलाइन ऐप डाउनलोड करके अपने आधार को वोटर आईडी से करें लिंक। और मुफ्त प्रिकॉशन डोज का जिला अस्पताल में भाजपा के क्षेत्रीय अध्यक्ष व एमएलसी डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह ने फीता काटकर किया शुभारंभ। कहा, प्रिकॉशन डोज नागरिकों को कोरोना महामारी से करेगा सुरक्षित। पेगस निशान, गोरखपुर का एकमात्र निशान डस्टन का एक्सक्लूसिव शोरूम और वर्कशॉप। जी हाँ, सही सुना आपने, जिन गाड़ियों के खरीदने के लिए या सर्विसिंग के लिए आपको गोरखपुर से बाहर जाना पड़ता था, अब पेगस निशान लाए हैं ये सारी सुविधाएं एक ही छत के नीचे। पेगस निशान सेल्स सर्विसेज एंड स्पेयर्स, भारत पेट्रोलियम के अपोजिट, नौसर गोरखपुर। हमारी तरफ से विशेष ऑफर, निशान डस्टन गाड़ी की खरीद पर फ्री इंश्योरेंस, कंडीशंस अप्लाई। रॉयल लोगों की रॉयल पसंद रेड रॉयल चाय। मटको मंगलम टावर गोलघर के यहाँ कपड़े खरीदे भी, सिलवाए भी और ड्राईक्लीन भी करवाएं। दो की ड्राईक्लीन पर एक कपड़ा मुफ्त। फ्री होम डिलीवरी और पिकअप के लिए कॉल करें 9044663300। ISL इंस्टीट्यूट फॉर सिंप्लीफाइड लर्निंग दिल्ली के वेल क्वालिफाइड और एक्सपीरियंस टीचर्स द्वारा संचालित ISL इंस्टीट्यूट फॉर सिंप्लीफाइड लर्निंग खजांची चौक नियर स्पोर्ट्स कॉलेज गोरखपुर। स्पेशल कंसेशन इन फी फॉर EWS एंड BPL कैटेगरी स्टूडेंट्स। अधिक जानकारी के लिए हमारे इन दो मोबाइल नंबरों पर संपर्क कीजिए 8833-59646। दूसरा मोबाइल नंबर है 7905-844-992। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है।
भाजपा के क्षेत्रीय अध्यक्ष व MLC डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह ने हर घर तिरंगा कार्यक्रम पर कहा कि आज़ादी का 75वां अमृत महोत्सव देश मना रहा है, जिसके उपलक्ष्य में भारत सरकार व प्रदेश सरकार द्वारा 13 से 15 अगस्त तक हर घर तिरंगा कार्यक्रम चलाया जा रहा है। हमारा सभी नागरिकों से अपील है कि हर घर में 13 अगस्त से 15 अगस्त तक सभी लोग घरों पर तिरंगा फहराएं, जिससे सभी लोगों के अंदर एक देशभक्ति का जज्बा पैदा हो। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज़ से बात करते हुए भाजपा के क्षेत्रीय अध्यक्ष व MLC डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह ने कहा, आज़ादी के 75वें वर्ष में अमृत महोत्सव के रूप में जब पूरा देश मना रहा है, तो तिरंगा हर घर की शान, तिरंगा आन बान और शान का प्रतीक है। इसलिए देश के हर नागरिकों से हम लोगों ने भी अपील की है, सरकार भी, सरकार और संगठन सब मिल करके सब लोगों से अपील कर रहे हैं कि हर घर में 13 तारीख से लेकर के 15 अगस्त के बीच में हर घर पर तिरंगा झंडा लहराया जाए, ताकि हर देशभक्त, सब लोग देशभक्ति का एक जज्बा सबके अंदर पैदा हो, ऐसा एक अभियान चलाया जा रहा है। शहर गोरखपुर साझा संस्कृति और गंगा जमुनी तहजीब का शहर है। शहर की दो प्रमुख ऐतिहासिक धरोहर बाबा गोरखनाथ का मंदिर और हजरत रोशन अली शाह का इमामबाड़ा है। इमामबाड़ा गोरखपुर के संबंध में सीना दर सीना जो कहानी चली आ रही है, उसके अनुसार अवध के नवाब आसिफुद्दौला सैर की गरज से इस शहर में आए। जब वो शिकार के लिए गुजर रहे थे, तभी उनकी निगाह एक बुजुर्ग पर पड़ी जो जंगल में एक धुनी रमाए अल्लाह की इबादत में डूबा हुआ था। मौसम बहुत ठंड का था, कड़कड़ाती हुई सर्दी थी, लेकिन बुजुर्ग के जिस्म पर कपड़े बहुत कम थे। नवाब आसिफुद्दौला ने यह देख कर अपना शाला बुजुर्ग की खिदमत में पेश किया। यह बुजुर्ग कोई और नहीं, हजरत रोशन अली शाह थे। उन्होंने नवाब के दिए हुए दुशाले को जलती हुई धुनी में डाल दिया। नवाब को यह देखकर अच्छा नहीं लगा, वह सवारी से उतरकर हजरत रोशन अली शाह की खिदमत में हाजिर हुए और अर्ज किया कि आपने मेरा कीमती दुशाला आग में डाल दिया। हजरत रोशन अली शाह ने एक निगाह नवाब पर और दूसरी निगाह आग में डाले हुए दुशाले पर डाली, जो कि जलकर राख हो चुका था। फिर उन्होंने अपना चिमटा उठाया और उस राख में से दुशाला सही सलामत निकालकर नवाब आसिफुद्दौला को वापस कर दिया। कहा जाता है कि हजरत रोशन अली शाह जहां धुनी रमाए हुए थे, वहीं पर एक छोटा ताजिया भी रखा हुआ था। नवाब आसिफुद्दौला हजरत रोशन अली शाह की करामात से आश्चर्यचकित हुआ और उसने फैसला किया कि यहां पर एक आलिशान इमामबाड़ा तामीर कराया जाएगा, जिसके चार दरवाजे होंगे और चारों दरवाजे इतने बुलंद होंगे कि जिससे हाथी गुजर सके। मियां बाजार स्थित मियां साहब इमामबाड़ा इस्टेट की ऐतिहासिक इमारत इतिहास का जीवन दस्तावेज है। यह इमामबाड़ा सामाजिक एकता व अकीदत का केंद्र है। यह हिंदुस्तान में सुन्नियों संप्रदाय का सबसे बड़ा इमामबाड़ा है। इमामबाड़े के दरो दीवार व सोने चांदी की ताजिया में अवध स्थापत्य कला व कारीगरी रची बसी नजर आती है। इमामबाड़ा के गेट पर अवध का राजशाही चिन्ह भी बना हुआ है। करीब 300 सालों से हजरत सैयद अली शाह द्वारा जलाई धुनी आज भी जल रही है। मियां साहब इमामबाड़ा इस्टेट के संस्थापक हजरत सैयद रोशन अली शाह ने सन 1717 ईस्वी में इमामबाड़ा तामीर किया। वहीं मशायखे गोरखपुर किताब में इमामबाड़ा की तारीख 1780 ईस्वी दर्ज है। इसी समय मस्जिद व ईदगाह भी बनी। हजरत सैयद रोशन अली शाह बुखारा के रहने वाले थे। वह मोहम्मद शाह के शासनकाल में बुखारा से दिल्ली आए। इतिहासकार डॉक्टर दानपाल सिंह की किताब गोरखपुर परिच्छेद का इतिहास सन 1200 से 1857 ईस्वी खंड प्रथम में गोरखपुर और मियाँ साहब के नाम से पेज 65 पर है कि यह एक धार्मिक मठ है जो गुरु परंपरा से चलता है। दिल्ली पर अहमद शाह अब्दाली के आक्रमण के समय इस परंपरा के सैयद गुलाम अशरफ पूरब गोरखपुर चले आए और बांसगांव तहसील के दुरियापार में ठहरे। वहां पर उन्होंने गोरखपुर के मुसलमान चकलेदार की सहायता से शाहपुर गांव बसाया। इनके पुत्र सैयद रोशन अली शाह की इच्छा थी इमामबाड़ा बनाने की। गोरखपुर में उन्होंने अपने नाना से दाऊदचक नामक मोहल्ला विरासत में मिला था। उन्होंने यहाँ इमामबाड़ा बनवाया, जिस वजह से इस जगह का नाम दाऊदचक से बदलकर इमामगंज हो गया। मियाँ साहब की ख्याति की वजह से इसको मियाँ बाजार के नाम से जाना जाने लगा। उस समय अवध के नवाब आसिफुद्दौला थे, जिन्होंने 10,000 रुपया इमामबाड़े की विस्तृत तामीर के लिए हजरत सैयद रोशन अली शाह को दिया। हजरत रोशन अली शाह की इच्छानुसार नवाब आसिफुद्दौला ने करीब 6 एकड़ के इस भूभाग पर हजरत सैयदना इमाम हुसैन व उनके साथियों की याद में मरकजी इमामबाड़े की तामीर कराई। करीब 12 साल तक तामीरी काम चलता रहा, जो 1796 ईस्वी में मुकम्मल हुआ। अवध के नवाब आसिफुद्दौला की बेगम ने सोने चांदी की ताजिया यहाँ भेजी। जब अवध के नवाब ने गोरखपुर को अंग्रेज़ों को दे दिया, तब अंग्रेज़ों ने भी इनकी माफ़ी जागीर को स्वीकृत कर दिया। इसके अतिरिक्त कई गुना बड़ी जागीर दी। मियाँ बाजार स्थित
ऐतिहासिक मियां साहब इमामबाड़ा की ख्याति महान दरवेश हज़रत सैयद रोशन अली शाह अलैहि रहमा की वजह से है। आम दिनों में प्रत्येक गुरुवार शुक्रवार को भी अकीदतमंद मज़ार की ज्यारत कर फातिहा पढ़ते हैं। ख़ासकर गुरुवार को हिंदू मुस्लिम समुदाय के लोग मज़ार की ज्यारत करते हैं और हज़रत रोशन अली के वसीले से अल्लाह से दुआ मांगते हैं। अकीदतमंद धूनी की राग तबर्रुक के तौर पर साथ ले जाते हैं। मुहर्रम माह में तो यहाँ की रौनक देखने लायक होती है। मशायख़े गोरखपुर किताब में आपकी ज़िंदगी पर विस्तृत रोशनी डाली गई है। किताब में है कि आप हमेशा अल्लाह की इबादत में लगे रहते थे, अहले बैत पैगंबर आज़म हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर वाले से मोहब्बत रखते थे, हज़रत सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो उनके साथियों की नियाज फातिहा के लिए इमाम बाड़ा स्थापित किया, हज़रत सैयद रोशन अली शाह ख़ास किस्म का पैरहन सफ़ेद साफ़ा व सफ़ेद चादर पहनते थे, खड़ाऊ पहनने की आदत थी, न गोश्त खाते थे और ना ही नमक, चटाई पर बैठते थे, हिंदू के हाथ का बना खाना खाते थे, फारसी उर्दू जानते थे मगर दस्तखत हमेशा हिंदी में करते थे, अपने करीब एक धुनी रखते थे जो हमेशा सुलगती रहती थी, नमाज के पाबंद थे, आबिद दरवेश थे। आपने मस्जिद, पुल, कुआँ, इमामबाड़ा की मरम्मत, मुसाफिरों के लिए कुछ ठहरने की जगह, स्कूल, 11वीं शरीफ, ईद मिलादुन्नबी, मुहर्रम, बुज़ुर्गों का नियाज़ फातिहा, उर्स, यतीमों व बेवाओं की मदद के लिए दिल खोलकर खर्च करते थे। सारी ज़िंदगी राह खुदा में खर्च करते रहे, ज़िक्र व फ़िक्र का अभ्यास करते रहे, इमामबाड़े से बाहर आप नहीं निकलते थे, यहीं फ़कीरों, दरवेशों और तालिबान हक़ का एक मजमा लगा रहता था। आपने सारी ज़िंदगी इबादत खिदमत में गुजार दी। गोरखपुर में उन्हें अपने नाना से दाऊ चक नामक मोहल्ला विरासत में मिला था। उन्होंने यहाँ इमामबाड़ा बनवाया जिस वजह से इस जगह का नाम दाऊ चक से बदलकर इमामगंज हो गया। मियाँ साहब की ख्याति की वजह से इसको मियाँ बाज़ार के नाम से जाना जाने लगा। वर्ष सन 1818 ईस्वी में आपका निधन हो गया मगर आपका नाम हमेशा आपके कारनामों से रोशन रहेगा। अवध के नवाब आसिफुद्दौला शिकार के बेहद शौकीन थे। हाथी पर सवार शिकार करते हुए वह गोरखपुर के घने जंगलों में आ गए। इसी घने जंगल में धुनी आग जलाए दरवेश रोशन अली शाह बैठे थे। शिकार के दरमियान नवाब ने देखा एक बुजुर्ग कड़कड़ाती ठंड में बिना वस्त्र पहने धुनी जलाए बैठे हैं। उन्होंने अपना कीमती दुशाला उन पर डाल दिया। दरवेश ने उस धुनी में शाल को फेंक दिया। यह देखकर नवाब नाराज हुए। इस पर रोशन अली शाह ने धुनी की राख में चिमटा डालकर कई कीमती दुशाला निकालकर नवाब की तरफ फेंक दिया। यह देखकर नवाब समझ गए कि यह कोई मामूली शख्स नहीं बल्कि अल्लाह का वली है। नवाब आसिफुद्दौला ने तुरंत हाथी से उतर कर माफ़ी मांगी। हजरत सैयद रोशन अली शाह का दांत, हुक्का, चिमटा, खड़ाऊ तथा बर्तन आदि आज भी इमामबाड़े में मौजूद है। हज़रत सैयद रोशन अली शाह ने इमामबाड़े में एक जगह धुनी जलाई थी, वह आज भी सैकड़ों वर्षों से जल रही है। यहाँ सोने चांदी की ताज़िया भी है जो मुहर्रम माह में दिखाई जाती है। मियाँ बाज़ार स्थित इमामबाड़े की देखभाल सूफ़ी हज़रत सैयद रोशन अली शाह करते रहे। वर्ष 1818 ईस्वी में हज़रत रोशन अली शाह के शिष्य व भतीजे सैयद अहमद अली शाह इस इमामबाड़े के उत्तराधिकारी हुए। इन्होंने ही मियाँ साहब की उपाधि धारण की जो शिष्य परम्परा चली आ रही है। इनके पिता का नाम सैयद फौलाद अली था। सैयद रोशन अली शाह ने सैयद अहमद अली शाह की देखभाल अपने जिम्मे ली। बाबा की शागिर्दी में अहमद अली शाह की तरबियत हुई। सैयद अहमद अली ने अपने मेहनत व सलाहियत से अपने इल्म को निखारा। 17 साल की उम्र में शेर व शायरी शुरू की। उन्होंने उर्दू, अरबी, फारसी तीनों जुबानों में महारत हासिल की। उन्होंने कई किताबें लिखी। पहली किताब कशफुल बगावत लिखी जो 1857 ईस्वी की जंग आज़ादी पर थी। दूसरी किताब नूरे हकीकत लिखी, इसका मौजू मजहब था। तीसरी किताब महबूबुत तवारीख लिखी जिसमें उन्होंने गोरखपुर की तारीख को लिखा है। वह बहुत ज़हीन थे। बाद में उनके उत्तराधिकारी एवं इमामबाड़े के सज्जादा नशीन सैयद वाजिद अली शाह वर्ष 1915 ईस्वी तक सज्जादा नशीन रहे। इसके बाद 9 साल की उम्र में ही सैयद जवाद अली शाह सज्जादा नशीन बने। वह वर्ष 1916 से 1972 ईस्वी तक सज्जादा नशीन रहे। इसके बाद बड़े मियां साहब के नाम से मशहूर सैयद मजहर अली शाह वर्ष 1973 से 1986 ईस्वी तक सज्जादा नशीन रहे। वर्तमान में सैयद अदनान फारूक अली शाह वर्ष 1987 ईस्वी से सज्जादा नशीन हैं। इमामबाड़े में वर्ष 1818 ईस्वी में बने पहले सज्जादा नशीन सैयद अहमद अली शाह की बेहतरीन तस्वीर है जिसे चित्रकार ज़ियाउद्दीन ने एक पुरानी तस्वीर से बनाया है जिसमें सैयद अहमद अली शाह को दर्शाया गया है। मियां साहब इमामबाड़े के दूसरे सज्जादा नशीन सैयद वाजिद अली शाह एवं 9 साल की उम्र में
तीसरे सज्जादा नशीन बने सैयद जवाद अली शाह की पेंसिल से बनी तस्वीर भी है। कलाकार ने पेंसिल के जरिए कैमरे की तर्ज पर हूबहू बनाया है। सैयद वाजिद अली शाह के साथ सैयद जवाद अली शाह बैठे हुए हैं। इसके अलावा सैयद जवाद अली शाह की तस्वीर है। मियां साहब इमामबाड़ा के अंदर सोने और चांदी की ताज़िया है। 6 एकड़ में मरकजी इमामबाड़ा की तामीर नवाब आसिफुद्दौला ने 1796 ईस्वी में करवाई। नवाब व उनकी बेगम ने सोने चांदी का ताज़िया दिया। इसे 7 दरवाज़ों व 7 तालों में बंद रखा जाता है। 3 से 10 मुहर्रम की दोपहर तक लोग यहां ताज़िये को देखने आते हैं। अवध के नवाब ने करीब 5.5 किलो सोने की ताज़िया दिया था। बुज़ुर्ग की करामात सुनकर नवाब की बेगम ने इमामबाड़े में चांदी की ताज़िया दी थी। मुहर्रम का चांद दिखने के बाद इमामबाड़ा के उत्तराधिकारी सोने चांदी की ताज़िया वाले कमरे में चाबी लेकर पहुंचते हैं। उसके बाद ताज़िया को रखे जाने वाले कमरे का दरवाज़ा खोला जाता है। शहर के सर्राफ को इसकी सफाई की जिम्मेदारी दी जाती है। हर साल 3 मुहर्रम की शाम से सोने चांदी के ताज़िये को देखा जाना शुरू होता है। सोने चांदी का अलम झंडे भी दिखाया जाता है। मियां साहब इमामबाड़ा में एक ताज़िया ऐसा भी है जो हज़रत रोशन अली शाह ने बनवाया था। वो लकड़ी का ताज़िया मुहर्रम में लोगों के आकर्षण का केंद्र रहता है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज़ से विशेष बात करते हुए इमामबाड़ा इस्टेट के गद्दी नशीं अदनान फारूख अली शाह उर्फ मियां साहब ने कहा, स्टेट आप देख रहे हैं, ये यहाँ पे बाबा रोशन अली शाह साहब यहाँ बैठा करते थे, इबादत किया करते थे। और कहा जाता है कि अवध के नवाब यहाँ तशरीफ लाए थे और इनसे मुलाकात की थी और उन्होंने यहाँ पे इमामबाड़े का निर्माण करवाया था। और सिर्फ निर्माण उन्हीं का नहीं था बल्कि अवध के नवाब आसिफुद्दौला उनकी जो बेगम थी उन्होंने सोने और चांदी की ताज़िया यहाँ भेंट की थी जो आज भी यहाँ रखी हुई है। ये सिर्फ मुहर्रम के 10 दिन इनको निकाला जाता है, लोग इसकी ज़ियारत करते हैं, लोगों की आस्था इससे है, मन्नतें मांगते हैं और ये सिर्फ साल में 10 दिन ज़ियारत के लिए रखी जाती है। और उसी ज़माने से ये जो 300 बरस पुराना मैं वाक़ा बता रहा हूँ, 300 बरस से ज़्यादा हो गया यहाँ से मुहर्रम का सिलसिला भी शुरू होता और आज तक वो रिवायत कायम है और परंपरागत रूप से हर साल यहाँ पे जुलूस निकलता है। जी ये भी रिवायत जो है खाली इमामबाड़े स्टेट की नहीं है, ये गोरखनाथ मंदिर की भी है। वहाँ भी और यहाँ पे भी आग या धुई जलती है जो आज तक मुझे याद नहीं है, मेरे मतलब में कभी बुझी नहीं है, ना यहाँ की बुझी है ना मंदिर की बुझी है।
उप जिला निर्वाचन अधिकारी एडीएम फाइनेंस राजेश कुमार सिंह ने जनपद में 1 अगस्त से चल रहे वोटर आईडी से आधार लिंक के लिए आधार एकत्रीकरण के केंद्र का रविवार को निरीक्षण किया, जिसके संबंध में उप जिला निर्वाचन अधिकारी एडीएम फाइनेंस राजेश कुमार सिंह ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश पर 1 अगस्त से आधार एकत्रीकरण करने का कार्य चल रहा है, जिसका 100,000 आधार नंबर एकत्र करने का लक्ष्य रखा गया है, जिसको देखते हुए बीएलओ के बूथ का निरीक्षण किया गया है, जिसमें पाया गया कि बीएलओ डाटा इकट्ठा कर रही हैं और यह डाटा फार्म 6B में डाटा को एकत्र किया जा रहा है, जिसके बाद यह डाटा ईओ के पास चला जाएगा, नहीं तो कोई व्यक्ति गरुड़ा ऐप के माध्यम से डाटा को एकत्र कर सकता है। इसलिए मेरा सभी नागरिकों से अपील है कि वोटर हेल्पलाइन ऐप अपने मोबाइल पर डाउनलोड कर लें और आधार कार्ड को मतदाता सूची के डाटा में अपलोड कर दें। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए उप जिला निर्वाचन अधिकारी एडीएम फाइनेंस राजेश कुमार सिंह ने कहा, इधर देखिए कैमरा मैन देखिए कोई बात नहीं, खुलिएगा खुलिए, ये आप पकड़िए अपने हाथ में, ठीक है हम दिखाते हैं आपको। हेल्पलाइन ऐप है, उसको आपको पहले खोलना है और वोटर आई हेल्पलाइन ऐप पर जा करके कैपिटल लेटर करिए, तब वो अपने आप कैपिटल हो जा रहा है। 6B क्लिक करना है और इसको क्लिक करने के बाद टीपी दे करके वो आप आगे बढ़ जाएंगे। इस पर यहाँ पे गैप नहीं रहना चाहिए, कोई बात नहीं, आप अपना फिर से हमें बोलिए तो ISP 77 256, ठीक है। इसमें हम स्टेट सेलेक्ट करेंगे आपका, ये देखिए आपका आ गया, ये ज्योति सिंह सुशील सिंह, ये इनका डेटा आ गया है, वो गोपति सिंह सही नाम तो है। नमस्कार, मैं राजेश कुमार सिंह एडीएम फाइनेंस और डिप्टी डीओ गोरखपुर हूँ। आज 7 अगस्त है, भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश पर 1 अगस्त से आधार नंबर एकत्रीकरण का कार्य चल रहा है। आज का हमने लगभग 100,000 का लक्ष्य माना था कि लगभग 100,000 आधार नंबर एकत्र हो जाएं। हम लोग अभी सेंट एंड्रयूज डिग्री कॉलेज हमारा ये 322 गोरखपुर अर्बन में स्थित है, यहाँ आप देख सकते हैं कि हमारी बीएलओ साहिबान उपस्थित हैं, लोगों से डेटा कलेक्ट कर रही हैं और ये डेटा कलेक्ट होने के बाद फॉर्म 6B में डेटा कलेक्ट हो रहा है, फिर ईआरओ साहब के पास चला जाएगा, नहीं तो ये अपने गरुड़ा ऐप के माध्यम से भी उसको ऑनलाइन अपडेट कर सकेंगे। मेरा आम नागरिकों से अनुरोध है, ये एक राष्ट्रीय महत्व का कार्य है और ये वोटर हेल्पलाइन अपने वो मोबाइल पे डाउनलोड कर लें और आधार कार्ड को घर बैठे ही अपने जो मतदाता सूची का डेटा है उसमें अपलोड कर दें, अपडेट कर दें। बहुत बहुत धन्यवाद। भाजपा के क्षेत्रीय अध्यक्ष व MLC डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह ने जिला अस्पताल में मुफ्त प्रकाशन डोज का फीता काट कर शुभारंभ किया, जिसके संबंध में भाजपा के क्षेत्रीय अध्यक्ष व MLC डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह ने बताया कि कोरोना जैसी महामारी में बचने के लिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बहुत कम समय में वैक्सीन को उपलब्ध करवाया और जिस प्रकार से 200 करोड़ वैक्सीन पूरे देश भर में लोगों को लगाकर सुरक्षित करने का काम भारत सरकार ने किया है, जिसके उपलक्ष में जनपद के सभी केंद्रों पर प्रिकॉशन डोज का शुभारंभ किया गया है, जिससे हर नागरिक सुरक्षित रह सके, जिसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को धन्यवाद देता हूं। इस अवसर पर भाजपा के महानगर अध्यक्ष राजेश गुप्ता, CMO डॉक्टर आशुतोष कुमार दुबे, रणविजय शाही सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए भाजपा के क्षेत्रीय अध्यक्ष व MLC डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह ने कहा, अरे ठीक एडजस्ट हो जाएगा।
मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आभार प्रकट करता हूं। उन्होंने कोरोना जैसी वैश्विक महामारी के खिलाफ जिस प्रकार से जितने कम समय में वैक्सीन भारत के नागरिकों को उपलब्ध कराई है और जिस प्रकार से 200 करोड़ से अधिक वैक्सीन पूरे देश भर में लोगों को लगा करके सुरक्षित करने का काम भारत की सरकार ने किया है, आज उसी के परिप्रेक्ष्य में हर चिकित्सा केंद्रों पर प्रिकॉशन डोज लग रहा है। मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज का आभारी हूँ। तो एक एक नागरिकों की हितों की रक्षा कैसे हो सके, इसके लिए इस प्रकार के प्रिकॉशन डोज लगाए जा रहे हैं। आज के लिए बस इतना ही। जाने से पहले एक नजर हेडलाइन पर। गोरखपुर न्यूज के सह प्रायोजक है मटकू मंगलम टावर गोलघर गोरखपुर। मंदिर परिसर में नशीला पदार्थ गांजा के कारोबार का विरोध करने पर अन्य साधुओं ने साधु हीरामन के साथ मारपीट कर आंख पर फेंका तेजाब, झुलसे पुजारी। घटना की सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पीपीगंज थाने की पुलिस ने घायल साधु को अस्पताल में करवाया भर्ती। अब साधु की स्थिति है सामान, आंख में है बस सूजन। एसपी नॉर्थ ने कहा, तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर की जा रही है आगे की कार्रवाई। जनपद न्यायाधीश तेज प्रताप तिवारी की अध्यक्षता में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वाधान में दीवानी न्यायालय परिसर में विशेष लोक अदालत का किया गया आयोजन। विशेष लोक अदालत में कुल आए 552 वाद, 111 वादों का किया गया निस्तारण। 3 छाती लुटेरों को शाहपुर पुलिस ने किया गिरफ्तार, एक देशी तमंचा, एक जिंदा कारतूस, 8,500 रुपए नकद किया बरामद, भेजे गए जेल। मारपीट व हत्या के प्रयास के आरोप में वांछित 5 अभियुक्तों को पीपीगंज थाने की पुलिस ने किया गिरफ्तार, एक चार पहिया वाहन, 2 लोहे का पाइप, 1 लोहे का राड किया बरामद, भेजा जेल। हर घर तिरंगा कार्यक्रम के तहत जनपद के सभी नागरिक 13 अगस्त से 15 अगस्त तक अपने घरों पर फहराएं तिरंगा। भाजपा के क्षेत्रीय अध्यक्ष व एमएलसी डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह ने कहा, तिरंगा फहराने से लोगों के अंदर देशभक्ति की भावना होगी जागृत। इमामबाड़े में सैकड़ों साल पहले हजरत रोशन अली शाह के द्वारा जलाई हुई धुनी आज तक एक बार भी नहीं बुझी। मुहर्रम का चांद दिखने के बाद इमामबाड़ा में दिखाई जाती है सोने चांदी की बनी ताजिया। हजरत रोशन अली शाह फारसी उर्दू जानने के बावजूद हमेशा हिंदी में करते थे दस्तखत। गोरखपुर न्यूज से विशेष बात करते हुए इमामबाड़ा स्टेट के गद्दी नशी अदनान फारूक अली शाह उर्फ मियाँ साहब ने कहा, सैकड़ों साल से जलाई हुई धुनी आज तक नहीं बुझी, ना इमामबाड़े में और ना ही बाबा गोरखनाथ के मंदिर में।
1 अगस्त से चल रहे जनपद में वोटर आईडी से आधार लिंक के लिए आधार एकत्रीकरण के केंद्र का उप जिला निर्वाचन अधिकारी एडीएम फाइनेंस राजेश कुमार सिंह ने किया निरीक्षण। कहा, सभी नागरिक प्ले स्टोर से वोटर हेल्पलाइन ऐप डाउनलोड करके अपने आधार को वोटर आईडी से करें लिंक। और मुफ्त प्रिकॉशन डोज का जिला अस्पताल में भाजपा के क्षेत्रीय अध्यक्ष व एमएलसी डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह ने फीता काटकर किया शुभारंभ। कहा, प्रिकॉशन डोज नागरिकों को कोरोना महामारी से करेगा सुरक्षित। अब मुझे इजाजत दीजिए, नमस्कार।